सच में आपने बोला कि बहुत ही सक्सेसफुल करियर, सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ, जब भी मैं भी अभी बैक टू मेरा एकदम 25 साल पहले 25 इयर्स की बैक जाती हूँ, तो जहाँ से वो 5 साल की दीपा थी, आज दीपा को देख के मुझे भी खुद अच्छा लगता है कि वो पहली बात वो इतना स्ट्रांग बनी, और उसको हारने की चीज से वो कभी नहीं रुकती है, वो हमेशा जीतने के बाद ही रुकती है। और लास्ट मई में जो एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल रहा, उससे पहले बहुत डाउन पीरियड था मेरे लिए, बहुत एज एथलेट इतना इंजुरी एवरीथिंग सब कुछ मिला के, उसके बाद जो एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे उसके बाद इंजुरी तो सबको पता है, बट अभी मेरा बॉडी सच में अलाउ नहीं कर रहे, मैं नहीं अपने आप से लड़ पा रही हूँ सबसे पहली बात बिकॉज ऑफ इंजुरी, और उसके बाद रिस्ट क्रैक, शोल्डर, एंकल, हर एक चीज में आ रहा था। तो अभी मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट पीरियड बिकॉज एक परफॉर्मेंस का हाई टाइम है आफ्टर गोल्ड मेडल के बाद रिटायरमेंट लेना, तो हर एक एथलेट का सोच रहता है कि मैं आफ्टर में मेरा जब हाई परफॉर्मेंस रहते है उसके बाद ही मैं लूँ, और मेरा भी वही सोच था क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ, एंड ऑफ द डे वही बॉडी मेरा अलाउ नहीं कर रहे। और मैं चाहती हूँ आने वाले जूनियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हार्डवर्क करे और मेरा जो भी रह गया वो पूरा करे, एग्जाम्पल ओलंपिक मेडल। अपने जूनियर्स को जितना मेरे से हो सके, मैं अगर कभी भी किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ उनके पास मैं उनकी हेल्प करूँ कोचिंग में, और जितने भी त्रिपुरा हो, इंडिया में हो, कहीं भी, मैं चाहती हूँ इंडियन जिमनास्टिक्स बहुत ऊपर जाए। और क्या मैसेज देंगे आज के दिन? आज के दिन सबको बस यही कहना है कि आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब आप सब अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे रहिए। और जिमनास्टिक्स सिर्फ कंपटीशन से मैं बाहर हुई, बट एज ए ह्यूमन बीइंग जिमनास्टिक्स मेरी ब्लड में, वो कभी नहीं रुकेगा लास्ट ब्रीथ तक।